नेटफ्लिक्स पर जोन शुन टीचर कोरियन ड्रामा सीरीज, इसका सीजन 2 रिलीज हो चुका है। सीजन 2 मैं देख चुका हूँ, अच्छा लगा मुझे देखने में, एंटरटेनिंग है, स्टोरी भी जबरदस्त है और आप फैमिली के साथ भी ये देख सकते हो। सीरीज की कहानी का मैं आपको शॉर्ट में आइडिया देता हूँ। सीजन 2 का इसका लगा मुझे देखने में कि लोग कहते हैं कि जमाना बदल जाता है, वक्त बदल जाते हैं, तो उसके साथ हालात भी बदल जाते हैं। बट सीजन 2 में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। जमाना तो बदल गया है जोनशोंग शहर का, वक्त भी बदल गया है, बट उस शहर में अभी भी वही चीज चल रही है, पुरानी जो चल रही थी। जैसा कि सीजन 1 में दिखाया गया था कि एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल जोनशोंग शहर में, वहां पे बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे थे, उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे मॉन्स्टर के ऊपर। तो अब एक लड़की की माँ बहुत दिन से गायब थी सीजन 1 में, तो वो लड़की अपनी माँ को ढूंढ रही थी, बट एक दिन उसकी माँ मिल गई और उसने मॉन्स्टर बन के अपनी बेटी को ही मार डाला। तो माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने मॉन्स्टर का कीड़ा अपनी बेटी में डाल दिया। तो सीजन 2 में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि बेटी जो है अब वो मॉन्स्टर बन नहीं रही है, वो अपने अंदर का जो मॉन्स्टर है वो कंट्रोल करके रख रही है। मतलब जब भी इसको मॉन्स्टर बनने के जैसा लगता है, ये कुछ तो भी इंजेक्शन ले लेती है, इस वजह से ये मॉन्स्टर अभी तक बनी नहीं है। साथ ही ये जिससे प्यार करती थी, एक लड़का, इसका जो बॉयफ्रेंड है, वो लड़की का भी एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है और उसकी पूरी याददाश्त चली गई है। अब वो लड़का जो है एक छोटे मोटे धंधे करके पैसा कमाता है। तो एक दिन इसको पुलिस ने झूठे केस में पकड़ लिया कि तूने ही मर्डर किया होगा। अब ये पुलिस को साबित करने की कोशिश कर रहा है, मैंने नहीं किया, बट पुलिस बोल रही है अगर तू इनोसेंट है तो असली मुजरिम को हमारे पास पकड़ के ला। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते करते ये लड़का जो है वो अपनी पूरी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिल जाता है, बट इसको कुछ भी याद नहीं कि ये कौन है, कब है। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है सीरीज की। बट एक टाइम ऐसा आ जाता है सीरीज में कि जब ये दोनों साथ मिलके काम करते रहते हैं उस क्रीचर को पकड़ने के लिए, क्योंकि उस लड़की को मालूम है कि ये जो जो भी मर्डर हो रहे हैं शहर में वो मॉन्स्टर ही कर रहा है कोई। तो ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं, बट एक टाइम ऐसा आ जाता है उस लड़के की याददाश्त वापस आ जाती है, उसको सब कुछ याद आ चुका है। तो अब सीरीज में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि ये दोनों साथ मिलके पूरा इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं कि ये मॉन्स्टर किधर से आ रहे हैं, क्योंकि ये सब तो अभी बंद हो चुका है। तो पता करते करते इनको मालूम पड़ता है कि जहाँ पे वो हॉस्पिटल था जॉनसन शहर में, वहां पर एक बायोटेक कंपनी बन गई है। अब वो ही सेम चीज रिपीट कर रही है, वो कंपनी लोगों को पकड़ के लाती है और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करती है मॉन्स्टर के ऊपर। तो ऐसा ही कुछ दिखाया गया, क्या ये दोनों और लड़का लड़की मिलके क्या वो बायोटेक कंपनी को रोक भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं लोगों पे। तो इस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है, शहर में काफी ज्यादा मौतें हो रही है। तो क्या ये दोनों मिलके अकेले उस बायोटेक कंपनी को अच्छा सबक सिखा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सब कुछ इम्पॉसिबल हो चुका है सीरीज में। अब ये दोनों पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये लोग हार मान चुके हैं। और ऐसी कुछ कहानी बताई गई है सीरीज की। और साथ ही सीरीज में मुझे एक चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी देखने में, मतलब कि फाइटिंग तो इतनी जबरदस्त दिखाई गई है सीरीज में, मतलब एक एक आदमी 100-100 जन से मिलके लड़ रहा है, ये देखने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और साथ ही मूवी में ना मॉन्स्टर के सीन जो है वो इस बार के सीजन में बहुत कम दिखाए गए हैं। जैसा कि सीजन 1 में मॉन्स्टर के सीन जो थे वो ज्यादा दिखाई देते, बट सीजन 2 में मॉन्स्टर इतना ज्यादा दिखाया नहीं गया है। हाँ, लास्ट का जो एपिसोड था सीजन 2 का, उसमें मॉन्स्टर के साथ एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइटिंग देखने को मिली मुझे। तो ये लास्ट का एपिसोड मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा सीजन 2 का। सीरीज अच्छी है बट लास्ट का एपिसोड एकदम जबरदस्त लगा मुझे। तो ऐसा ही कुछ मेरा रिव्यू है जोनशोंग क्रीचर सीजन 2 के लिए। आप अगर सीजन 2 देख चुके हो जोनशोंग क्रीचर का, तो कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा। नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है हिंदी डबिंग में, और भी भाषाओं में डब किया है, देखो और कमेंट में जरूर बताओ आपको कैसा लगा। और ये सीरीज आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो।